हेलो फ्रेंड्स, आई एम कंचन चौधरी। आपका हमारे चैनल लर्न बाय वॉच में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप व्यॉन में ऑब्जेक्ट्स की फ्रेमिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सीन में दोस्तों मैंने इस फोटो फ्रेम में इस पिक्चर को मैंने एक ऑब्जेक्ट की तरह इस फोटो फ्रेम में ऐड किया है। व्यॉन की लैंग्वेज में हम इसको मास्किंग भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मास्क कर सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को फ्रेम कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई प्रॉप भी हो सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि व्यॉन में इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स की, कैरेक्टर्स की और प्रॉप्स की फ्रेमिंग कैसे की जाती है। तो वो मैं आपको आज अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए, हो जाए एनिमेशन। तो दोस्तों देखिए, स्क्रीन पर मैंने एक न्यू एडिटर ओपन कर लिया है व्यॉन में। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट्स को फ्रेम करके दिखाऊंगी आपको। तो अभी यहाँ पर ये सीन ब्लैंक है, तो मैं इसमें एक सीन क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, तो सीन क्रिएट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं टेम्पलेट एक ऐड करती हूँ व्यॉन में से। तो मैं व्यॉन के टेम्पलेट्स में जाती हूँ, चूज टेम्पलेट्स में जाके मैं यहाँ पर एक रूम का कोई बैकग्राउंड लेती हूँ। तो मैं यहाँ से लेती हूँ ये। ओके, इस ब्लैंक सीन को हम डिलीट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। एंड अब इस टेम्पलेट में थोड़े चेंजेस दोस्तों मैं करूँगी, बिकॉज मुझे अपने अकॉर्डिंगली सीन सेट करना है। बस थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं व्यॉन के टेम्पलेट का यूज़ कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मैं वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स ऐड करूँगी तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और हमारी वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं व्यॉन के ही टेम्पलेट का यूज़ करके इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके अपना अकॉर्डिंगली एक सीन क्रिएट कर लूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को हटा देती हूँ, इसे हटा देती हूँ एंड इसे भी, एंड इसे भी हटा देते हैं एंड इसे भी। ओके, एंड हम इस करेक्टर को यहाँ से चेंज करके कर लेते हैं। मैंने कुछ लाइब्रेरी में करेक्टर क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं इसे ऐड कर देती हूँ। ओके, एंड अब दोस्तों कुछ कुछ हमारा रेडी है सीन। अब इसमें मैं सिर्फ बैकग्राउंड का चेंज कर देती हूँ। तो मैं जाती हूँ या बैकग्राउंड्स में, और बैकग्राउंड्स में से मैं ले लेती हूँ रूम। मुझे दूसरा रूम यहाँ पर सेट करना है। तो मैं इनमें से यूज़ करूँगी ये रूम। ओके, एंड थोड़ा हम इन्हें सिलेक्ट करके छोटा कर लेते हैं इतना। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फाइन, सेव करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा सीन रेडी है। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट को फ्रेम करना है इस सीन में, तो मैं फ़ोटो फ्रेम का यूज़ करूँगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि व्यॉन में फ्रेमिंग करने के लिए कुछ प्रॉप्स अवेलेबल कराए गए हैं, जिनके थ्रू हम फ्रेमिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की या करेक्टर्स की। और वो प्रॉप्स कुछ मास्किंग टाइप के होते हैं, जिनमें मास्किंग कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स की। तो मैं बता देती हूँ आपको कि वो प्रॉप्स कौन से हैं। तो प्रॉप्स में मैं जाती हूँ एंड यहाँ से देखिए मैं मास्किंग करके सर्च करती हूँ। तो ये वो सारे प्रॉप्स हैं जिनके थ्रू हम फ्रेमिंग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि मास्किंग। व्यॉन की लैंग्वेज में हम इसको मास्किंग भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मास्क कर सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में। ओके, यानी कि जैसे कि हम किसी फ्रेम में एक फ्रेम एक ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया कोई कैरेक्टर या फिर कोई भी
कोई भी चीज़, जैसे कि एक मिरर एक फ्रेम हो गया और मिरर में हम किसी करेक्टर को ऐड करना चाहते हैं, तो वो दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में हम मास्क कर सकते हैं, ऐसा भी हम व्योन की लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ओके, तो मैं अभी इनमें से इस फ्रेम, फोटो फ्रेम वाले प्रॉप का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड इसे मैं यहाँ प्लेस कर लेती हूँ इधर। इसका साइज थोड़ा हम इतना कर लेते हैं। ओके, एंड थोड़ा इतना है, फाइन। मैं यहाँ पर एक क्लॉक का प्रॉप और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये वॉल थोड़ी खाली लग रही है, तो मैं यहाँ ये ऐड करती हूँ क्लॉक, और इसे यहाँ पर मैं कर देती हूँ सेट। थोड़ी ज़्यादा छोटी हो गई, इतना। फाइन। अब दोस्तों ये हो गया हमारा एक फ्रेम का प्रॉप, ये है एक प्रॉप। अब हमें इसमें एक और प्रॉप ऐड करना है, जो कि एक पिक्चर हो सकती है। ठीक है, तो पिक्चर के लिए दोस्तों मुझे वियोन की ही कोई पिक्चर चाहिए जिसमें ये करैक्टर हो, ये करैक्टर उस पिक्चर में हो, मुझे ऐसी कोई पिक्चर यहाँ इस फ्रेम में लगानी है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा, मैं एक सीन क्रिएट करूँगी इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं एक सीन क्रिएट करूँगी, फिर उस सीन का वियोन से मैं लूँगी स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं उस स्क्रीनशॉट को वियोन में अपलोड करूँगी एंड देन फिर उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह मैं इस फ्रेम में उसको मास्क करूँगी। ठीक है, अभी वर्बली है, मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैं एक और सीन यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ वियोन में। तो मैं जाती हूँ यहाँ से, फिर से टेम्पलेट्स का यूज़ करूँगी मैं वियोन के, बिकॉज मैं टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहती, इस वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाना चाहती, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स प्लेस बहुत अकॉर्डिंगली करने होते हैं किसी भी सीन में, तो उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए मैं टेम्पलेट्स का यूज़ करके उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके कोई भी अपना सीन जो मुझे चाहिए होता है वो मैं क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैं एक सीन लेती हूँ, टेबल का कोई सीन लेते हैं, ये ले लेते हैं। ओके, तो इसे यूज़ करती हूँ मैं सीन को एंड इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना पड़ेगा मुझे, तो मैं कुछ प्रॉप्स को हटाऊंगी एंड कुछ प्रॉप्स को ऐड करूँगी। ओके, तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से एंड इसको भी हटा दूँगी मैं यहाँ से एंड इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं अपने दूसरे करेक्टर से, जो कि यहाँ जो ये करेक्टर है ना, इसी करेक्टर को मैं इस करेक्टर से रिप्लेस करूँगी, बिकॉज मुझे इसी करेक्टर की फ़ोटो चाहिए, तो इसके क्लोथ चेंज करके मैं यहाँ पर इसी के जैसा एक और करेक्टर, इसी के जैसा सेम एक करेक्टर इस करेक्टर से रिप्लेस करूँगी, बस उसमें उसके क्लोथ चेंज हो, यहाँ पर जो क्लोथ्स हैं वो ना हो, दूसरे हों। ठीक है, तो मैं रिप्लेस करती हूँ यहाँ से, मुझे पता है ये करेक्टर मुझे कहाँ मिलेगा, ऑफिस करेक्टर्स में मिल जाएगा मुझे, जहाँ पर इसके क्लोज कुछ और होंगे, देखिए रहा, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये मुझे मिल गया। ओके, अब मैं इसमें एक्शन लगाऊंगी, जो एक्शन मुझे उस फोटो फ्रेम में चाहिए इस करेक्टर का, तो मैं एक्शंस में जाती हूँ और यहाँ से मैं चीयर एक्शन का यूज़ करूँगी। तो चीयर में मैं ये एक्शन यूज़ करूँगी। ओके, अच्छा लग रहा है, और इसे अभी हम थोड़ा इधर रख देते हैं और इसे करते हैं हम यहाँ पर आगे, फाइन। इसका फेस हम लेफ्ट कर देते हैं। ओके, एंड इसको हम क्लिक करते हैं, जैसे कि फ़ोटो क्लिक कर रही है, ऐसा एक्शन यूज़ करते हैं, फ़ोटो डालते हैं, तो ये एक्शन टेकिंग पिक्चर वाला एकदम परफेक्ट है, मैं इसी को सिलेक्ट करती हूँ एंड इसे मैं करूँगी यहाँ पर प्लेस, ताकि ऐसा लगेगा कि ये जो करेक्टर है वो इनका फ़ोटो ले रही है।
तो मैं इसे यहाँ सेट करती हूँ और इसे हम कर देते हैं सेंड टू बैक। परफेक्ट। एक और करेक्टर हम यहाँ ऐड कर लेते हैं इसका कॉपी पेस्ट करके, एंड यहाँ पर उसको प्लेस कर देंगे हम। कोई कैजुअल करेक्टर ले लेते हैं। ये लेते हैं, इसका एक्शन हम चेंज करके सिट कर देंगे। सिट में कोई ड्रिंक पकड़ते हुए कोई एक्शन, क्योंकि मुझे ये सीन भी दिखाना है अपने एनिमेशन में। मैं एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करना चाह रही हूँ कि जिसमें वो जो ये जो हमारा करेक्टर है ये इस फोटो को देख रहा है, जिसमें कुछ मेमोरी है, उस मेमोरी को रिकॉल करता है, याद करता है, और फिर वो लाइवली उसे अपनी इमेजिनेशन में देखता है उस सीन को दोबारा से। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर प्रॉपर वही सीन दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, और मेरा बेनिफिट ये है मैं उसी का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा लूँगी। तो मैं यहाँ से इसका एक्शन चेंज करके ड्रिंक करती हूँ। ये परफेक्ट। इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं इतना। एकदम परफेक्ट। एंड अब क्या करना है दोस्तों मुझे, मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ एंड मिरर कर लेते हैं हम। तो थोड़ा ऐसे परफेक्ट। इनका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जैसे कि ये आगे की तरफ खड़े हों, ये थोड़ा पीछे की तरफ है। इसका साइज़ थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ इतना। परफेक्ट। तो हमारा सीन रेडी हो गया है। ठीक है, अब इस सीन का मैं लूँगी स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए दोस्तों आपको पता होगा कि क्या करते हैं, हम ग्रीन शूट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो उससे मैं इस सीन का स्क्रीनशॉट ले लूँगी। तो मैं यहाँ से यूज़ करती हूँ ग्रीन शूट को, और स्क्रीनशॉट लेते हैं हम इतने पोर्शन का। परफेक्ट। सेव कर लेती हूँ दोस्तों इसे यहाँ पर अपने सिस्टम में, और नाम दे देती हूँ फोटो। सेव करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा सेव हो चुका है वो इमेज। अब वो इमेज हमें अपलोड करना है बियॉन्ड पर। तो अपलोड करने के लिए मैं जाऊंगी अपलोड्स में, और यहाँ प्लस का यूज़ करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर से मैं इस इमेज को, यही वो इमेज था, यही स्क्रीनशॉट लिया था हमने, इसको मैं ऐड कर लेती हूँ बियॉन्ड की साइट पर। और अब मैं इस इमेज का यूज़ कर सकती हूँ अपने उस फ्रेम में। ठीक है, तो मैं जाती हूँ अपने उस सीन में दोबारा, और अब देखिए दोस्तों मास्किंग कैसे होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो उसके लिए दोस्तों देखिए, मैंने इस ये जो मास्किंग प्रॉप है इसको मैंने सिलेक्ट किया, एंड देन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर पर ये जो मास्क का ऑप्शन आ रहा है, इस मास्क के ऑप्शन पर आप कीजिए प्रेस, और यहाँ से ऐड एसेट का ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपको यहाँ से देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ से इस पिक्चर को ऐड करती हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगी, और देखिए हमारा पिक्चर यहाँ पर ऐड हो चुका है, मास्किंग हो चुकी है। बस मुझे फिट करना है इसे फ्रेम में, तो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ इस तरीके से, एंड इस तरीके से देखिए। ओके, एकदम फिट हो चुका है हमारा ये इमेज। अब मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक करूँगी तो देखिए वो एकदम फ्रेम में फिट हो गया है इमेज। तो हमारी मास्किंग हो गई इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट की। ये जो इमेज था वो एक ऑब्जेक्ट ही तो था, उसको हमने इस दूसरे ऑब्जेक्ट में, इस फ्रेम में मास्क कर दिया, फ्रेम कर दिया। ठीक है, अब मैं इस सीन को यहाँ से कंटिन्यू कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्शन चेंज करती हूँ इनका, चेयर ये रखती हूँ, एंड इसका एक्शन हम लेफ्ट करते हैं, सॉरी राइट करते हैं, नहीं लेफ्ट ही रहने देते हैं।
और मैं इसका कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे एक्शन लास्ट में स्टार्टिंग एक्शन ये चाहिए। जब ये मेमोराइज कर रहा है तो स्टार्टिंग एक्शन ये होगा और बट जो एंडिंग एक्शन है वो ये होगा, तो वो वही होगा जो हमने उस फ्रेम में सेट किया है। तो मैंने इसको कर दिया और इसको मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। इसमें हम एग्ज़िट इफ़ेक्ट लगा देते हैं इंस्टेंट, और 2 सेकेंड के बाद हम इसको एग्ज़िट कराते हैं और इसको 2 सेकेंड के बाद एंटर कराएंगे। तो इंस्टेंट और 2 सेकेंड, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हाँ, इसको मैं थोड़ा इसमें डाउन ऑप्शन का यूज़ करती हूँ, सॉरी डाउन एक्सप्रेशन का यूज़ करती हूँ एंड इसको मैं यहाँ सेट कर दूँगी अब, परफेक्ट। इसमें थोड़ा कैमरा लगा देते हैं दोस्तों, कैमरा मूवमेंट लगाने से थोड़ा हमारा सीन्स अच्छे लगेंगे। तो मैं कैमरा ऑप्शन यहाँ से यूज़ करती हूँ, ऐड कैमरा पे करती हूँ एंड मैं यहाँ से इतना फिट करती हूँ इसे, इतना, एंड देन मूव कराते कराते फुल स्क्रीन पर ले जाऊँगी इस तरीके से, परफेक्ट। अभी इसमें भी कैमरा ऑप्शन लगा देते हैं दोस्तों, तो इसमें मैं कैमरा ऑप्शन लगाती हूँ, इस सीन को हम इतना दिखाएंगे, इतना, परफेक्ट। इस सीन का मैं कॉपी कर लेती हूँ दोस्तों एंड पेस्ट करती हूँ, और अब इसमें थोड़ा इस कैमरा का मैं पोजीशन इतना रख देती हूँ, इतना, जैसे कि मैं दिखाऊंगी कि ये जो पर्सन है वो इस फोटो को देख रहा है, इस फोटो फ्रेम को देख रहा है। तो मैं कैमरा को मूव करते हुए इसको यहाँ तक ले जाऊंगी, परफेक्ट, एंड थोड़ा इतना रखते हैं टाइमिंग, और इतना थोड़ा इधर टाइमिंग बढ़ा देते हैं, इतना ट्रांजिशन लगा देते हैं हम सीन में, ताकि लगे कि हाँ ये इमेजिन कर रहा है उस सीन को दोबारा, ठीक है। तो हम यहाँ से ट्रांजिशन लगा देते हैं फेड का एंड वाइट, यहाँ से 0.5 रखते हैं हम ट्रांजिशन टाइम, ओके, एंड इस सीन को हम थोड़ा इतना कर देते हैं टाइमिंग इसका, परफेक्ट। और इसका भी लेंथ थोड़ा हम इतना बढ़ा देते हैं, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर सीन को पेस्ट कर देते हैं, ताकि इमेजिन करने के बाद वापस से वहीं पर आएगा ना पर्सन जहाँ पर वो सोच रहा था उस सीन के बारे में। तो मैं कैमरा इतना रख देती हूँ, इतना, परफेक्ट। इसमें भी ट्रांजिशन लगा देते हैं फेड एंड वाइट 0.5 सेकेंड का, परफेक्ट। और इसका हम एक्सप्रेशन कर देते हैं हैप्पी, कैमरा में थोड़ा मूवमेंट लगा देते हैं हम इस तरीके से, परफेक्ट। अब दोस्तों हमारा एनिमेशन एकदम रेडी है, अब मैं इस एनिमेशन को आपको प्रीव्यू करके दिखाऊंगी, ओके। तो मैं प्रीव्यू पर जाती हूँ, तो देखा आपने दोस्तों इस तरीके से हम मास्किंग प्रॉप्स का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स की फ्रेमिंग कर सकते हैं, मास्किंग कर सकते हैं वियॉन्ड की लैंग्वेज में, ओके। मैं आपको कुछ सीन्स दोस्तों और दिखाती हूँ जिनमें मास्किंग प्रॉप्स का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स की मास्किंग की गई है, जिसमें कुछ करेक्टर्स भी हैं और कुछ प्रॉप्स भी हैं। तो मैं जाती हूँ यहाँ चूज टेम्पलेट्स में एंड यहाँ जाती हूँ माई लाइब्रेरी में, क्योंकि वो मैंने पहले से क्रिएट करके रख दिए थे ताकि मैं सिंपली आपको
जल्दी दिखा सकूँ, बिकॉज मैं पूरा क्रिएट करूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो का लेंथ हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए ये सीन है, इस सीन को मैं ऐड करके दिखाती हूँ आपको। इस सीन में दोस्तों हमने ये एक प्रॉप, मास्किंग प्रॉप है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मास्क कर सकते हैं, तो मैंने एक करेक्टर को मास्क किया है। तो देखिए मैं इसको डबल सेलेक्ट करूंगी जब, तो देखिए ये करेक्टर को यहाँ पे मैंने मास्क किया है। इसका एक्शन मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ और यहाँ से स्वैप भी कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये जो करेक्टर है मैं इसे स्वैप भी कर सकती हूँ किसी दूसरे करेक्टर से। मैं देखिए इसे रखती हूँ, तो देखिए ये हो गया, इसे रखूंगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी वही कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो लेडी है लैपटॉप पर वीडियो कॉल कर रही है दूसरी लेडी से। तो इस तरीके के सीन्स हम क्रिएट कर सकते हैं इसी मास्किंग प्रॉप का यूज़ करके। और एक और सीन दिखाती हूँ दोस्तों अपनी लाइब्रेरी से। जैसे देखिए ये लेडी मेकअप कर रही है, इसके मैंने दो सीन क्रिएट किए हैं, पहला ये है एंड सेकेंड वन जो है वो ये है। इस सीन में मैंने फ्रेमिंग की है, वैसे इस लेडी को हमने इस मिरर मास्किंग प्रॉप में फ्रेम किया है। मैं इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करती हूँ, तो देखिए ये जो लेडी है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको मैंने मास्क किया है इस मिरर ऑब्जेक्ट में। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका एक्शन चेंज कर सकती हूँ, देखिए इस तरीके से यहाँ से आप कोई दूसरा एक्शन रख सकते हैं। मैं एक बार आपको इसको प्रीव्यू करके दिखा देती हूँ, लेंथ बढ़ा देती हूँ मैं सीन की पहले पर एक बार इतनी, एंड अब हम प्रीव्यू करते हैं इसे यहाँ से। तो इस तरीके से दोस्तों वियॉन्ड में हम ऑब्जेक्ट्स की फ्रेमिंग करते हैं, या मिरर में। देखिए दोस्तों इसमें मिरर में वियॉन्ड में काफ़ी सारे मास्किंग करने के लिए प्रॉप्स अवेलेबल हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर मिरर सर्च करूँगी तो बहुत सारे हैं। देखिए इसमें भी हम मास्किंग कर सकते हैं, इस मिरर में भी किसी भी करेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट की मास्किंग कर सकते हैं। इसमें आई थिंक पता नहीं कर सकते, यानी इसमें नहीं कर सकते, सॉरी। आपको यहाँ पर बस दिख जाएगा, जैसे कि इसमें कर सकते हैं, मैं इसे सिलेक्ट करूँगी तो देखिए इसमें ऑप्शन आता है या मास्क का। अगर मास्क का ऑप्शन आ रहा है तो ही आप मास्किंग कर सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, वियॉन्ड में दोस्तों मास्किंग लिमिटेड चीज़ों के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि मिरर के लिए हम मिरर में किसी ऑब्जेक्ट किसी प्रॉप या किसी कैरेक्टर को मास्क कर सकते हैं। हम कंप्यूटर स्क्रीन में कर सकते हैं किसी कैरेक्टर या किसी ऑब्जेक्ट को मास्क। हम मोबाइल स्क्रीन पे कर सकते हैं। इन तीन टाइप की ऑब्जेक्ट्स में, इन तीन टाइप के प्रॉप्स में हम मास्किंग कर सकते हैं किसी अदर प्रॉप की। वो ऑब्जेक्ट कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई अदर प्रॉप भी हो सकता है, यानी कि कोई अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, बार बार आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट और प्रॉप से मेरा मतलब एक ही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि कैसे वियॉन्ड में मास्किंग की जाती है ऑब्जेक्ट्स की, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स कोई कैरेक्टर हो चाहे फिर वो कोई प्रॉप हो, यानी कि वो कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट हो, उसकी मास्किंग हो सकती है वियॉन्ड में। बट वो तीन टाइप के ही चीज़ों में हो सकती है, वो एक मिरर में हो सकती है, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हो सकती है, लैपटॉप की स्क्रीन या फिर सिस्टम की स्क्रीन, या फिर मोबाइल स्क्रीन में हो सकती है। इन तीन के अलावा मास्किंग और किसी चीज़ में अवेलेबल नहीं है वियॉन्ड में। लेकिन मेरे पास उसके लिए भी एक ऑप्शन है, एक तरीका है, जो कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।